तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक कंसेप्ट समझाने वाले हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक मैथोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉज। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपने बहुत सारे इकोनॉमिक के लॉ पढ़े होंगे या पढ़ने वाले हैं, जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक लॉज हैं। बेसिकली इकोनॉमिक लॉज का पहले मतलब समझ लेते हैं। इकोनॉमिक लॉ आर अ पार्ट ऑफ सोशल लॉज। देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, और इकोनॉमिक लॉ जो हैं वो सोशल लॉ हुए, यानी कि आपको दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन को दिखाते हैं। इकोनॉमिक लॉ आर दी स्टेटमेंट ऑफ जनरल टेंडेंसी। जैसे कि आप लॉ ऑफ डिमांड देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई जो है वो घटती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे वैसे वैसे एक तरीके से आप कह सकते हो आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो घटता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक लॉज हैं। लेकिन इकोनॉमिक लॉ को बनाने के लिए आपको बहुत सारे डेटा इकट्ठे करने पड़ते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। भाई आखिरकार कैसे पता चलेगा कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स को कंज्यूम करते हो आपका सेटिस्फेक्शन घट जाता है? आपको डेफिनेटली कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक मैथोलॉजी है, यानी इकोनॉमिक मैथोलॉजी इन्वेस्टिगेट दी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, यानी कि पूरी किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होता है, आखिरकार प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्यों घटती है, इसका एनालिसिस करना, इसका ऑब्जर्वेशन करना, इसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, इसके बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट करना ही इकोनॉमिक मैथोलॉजी कहलाती है। यानी कि वेरियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं सच एज क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट, प्रोडक्शन, ये सारी की सारी टेस्टिंग, ये सारी की सारी मैथोलॉजी कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होने की क्या वजह है, ये सब का हमारा इकोनॉमिक मैथोलॉजी कहलाती है। तो बच्चों छोटी सी वीडियो है, मैं आपको जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था वो इतना ही कर रहा था। बेसिकली आपको समझना है मैथोलॉजी और लॉज में डिफरेंस, जो कि बेसिकली लॉज क्या है, लॉ एक सोशल साइंस से फैक्टर है जो स्टेटमेंट देता है कि भाई प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है, और इकोनॉमिक मैथोलॉजी में उसके पीछे किस क्या वजह है, क्या रीजन है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। इसमें इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इकोनॉमिक मैथोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का, बहुत बार इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर अब चेंज होने की टेंडेंसी खत्म हो गई है, यानी कि जो आपको अचीव करने की रिक्वायरमेंट थी आपने वो अचीव कर लिया है, इसके बाद आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे लिखा हुआ है द अटेनमेंट ऑफ पोजिशन फ्रॉम विच देयर इज नो इंटेंसिव नॉर अपॉर्चुनिटी टू मूव, यानी कि ना तो किसी तरीके का इंटेंसिव है ना कोई जरूरत है, हमें किसी भी तरीके से मूव नहीं करना। मान लीजिए आप बस में जा रहे हो और बस में आपको एक सीट मिल जाती है, बिल्कुल कंफर्टेबल सीट है, तो आप क्या सीट से उठना चाहोगे जबकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग सीट पे खड़े हुए हैं? यानी कि जब आप कंफर्टेबली बैठ गए तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई। अगर आप यहां से हिलते हो उठते हो तो कंडीशन आपकी खराब ही होगी, अच्छी तो होने वाली नहीं है कम से कम। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कंज्यूमर उस कमोडिटी का मतलब एक तरीके से यूनिट का यूज कर रहा है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर इससे ज्यादा यूज करेगा तो उसका लॉस होगा सेटिस्फेक्शन का, इससे कम यूज करेगा तो सेटिस्फेक्शन का लॉस होगा। यानी कि जिस कंडीशन में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है इन गिवन इनकम, उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और कंज्यूमर ऐसी कंडीशन में किसी भी तरीके का चेंज करना नहीं चाहता। सेम एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है तो प्रोड्यूसर इस कंडीशन में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज करना नहीं चाहता। यानी कि इस कंडीशन में पहुंचने के बाद उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं प्रॉफिट मिल रहा है, और जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है या लॉस मिनिमम हो रहा है तो वो किसी भी तरीके से चेंज करना नहीं चाहेगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। इस केस में एम्प्लॉयमेंट का भी इक्विलिब्रियम देखने को कई बार मिल जाता है। यानी कि इकोनॉमी में जब कंडीशन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी तो ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा ना अंडर प्रोडक्शन होगा, और इसी तरीके से डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर बराबर होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन आ जाना जहां पर किसी भी तरीके से मूवमेंट जो है वो अब नहीं हो पाएगा। अब इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम और
जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, एक सिंगल मार्केट का इक्विलिब्रियम करते हैं, यानी कि केवल एक मार्केट का इक्विलिब्रियम करते हैं, जबकि रेस्ट मार्केट को हम आइसोलेटेड कर देते हैं। यानी कि जब हम कार मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं तो केवल कार मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यानी कि कार की कीमतें बढ़ने से कार की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा यही एनालिसिस करेंगे। स्टील की मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे, लेबर मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे, इसके अलावा टायर मार्केट का एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल कार की मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं जब पार्शियल इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम में हम एक साथ कई सारे मार्केटों का एक साथ इक्विलिब्रियम करते हैं, यानी कि जब आप कार मार्केट का एनालिसिस करोगे तो कार मार्केट के साथ साथ आप देखिए, मान लीजिए स्टील की कीमतें बढ़ी तो कार की कीमतें बढ़ेंगी, कार की कीमत बढ़ेंगी तो जो लेबर है वो कम कार खरीदेगा, जब लेबर कम कार खरीदेगा तो डेफिनेटली स्टील की डिमांड घटेगी। तो इस तरीके से जब हम एक का इफेक्ट दूसरे पर, दूसरे का इफेक्ट तीसरे पर, इस तरीके से एनालिसिस करते हैं तो उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दोस्तों मैंने पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो वीडियो मैं इसमें जोड़ देता हूं। वो बेसिकली आपको कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, अगर आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम को एक बार डिटेल में समझ लें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जनरल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम आपको समझाया है, और पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में क्या कंपैरिजन डिफरेंस है वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में बता देते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम में जब हम, जैसे हम मान लीजिए कार इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कार इंडस्ट्री में जो कार का प्राइस है वो कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली ये डिसाइड कर रहा है। ये मान लीजिए कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री में कार का जो प्राइस है वो मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई ने डिसाइड कर दिया। सपोज कीजिए प्राइस डिसाइड हुआ ओपी और क्वांटिटी डिसाइड हुई ओक्यू, तो इसके डिमांड और सप्लाई का असर प्राइस पे क्या पड़ेगा जब हम ये मानते हैं, तो हम बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट मान लेते हैं। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम है, इसके अलावा हम बाकी की सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं, और हम मान के हम ये कहते हैं कि अगर कार का जो प्राइस है वो बढ़ता है, कार की डिमांड बढ़ती है, तो कार का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्वांटिटी भी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में बढ़ जाएगी। यानी कि इस पूरे के पूरे मॉडल को डेवलप करते समय हमने ये मान लिया है कि रबर इंडस्ट्री, लेबर इंडस्ट्री, इन सब पर किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स एंड मार्केट। यानी कि जिसमें हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट का हम कंपैरिजन करते हैं, मार्केट का कंपैरिजन करते हैं, इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि जो कार मार्केट है, जो रबर मार्केट है, जो लेबर मार्केट है, जो प्लास्टिक मार्केट है, उसमें किसी भी तरीके का इंटररिलेशन नहीं है, सभी की सभी मार्केट इंडिपेंडेंट है, और सभी मार्केट का अलग अलग तरीके से हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में जब हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं, यानी कि जो इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं उसमें बाकी के सभी फैक्टर्स को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, और इसको डेवलप करने का काम किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। इसके अलावा ये सर्टन पेरिबस जिसे हम बोलते हैं बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, इस पर बेस्ड है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अदर थिंग को कांस्टेंट मान लेते हैं और अपने एनालिसिस को करते हैं। यानी कि केवल किसी एक चीज का असर एक मार्केट पर क्या पड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं, बाकी की सभी चीजों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, क्विक मेथड है, और इसके अलावा बहुत ही कॉस्टली मेथड ये नहीं है। इस वाले में यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इंटरडिपेंडेंसी को और इंटरकनेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि एक कार इंडस्ट्री का लेबर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा इसको हमने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। जनरल इक्विलिब्रियम में हम इसको इग्नोर नहीं करते। पार्शियल इक्विलिब्रियम में जब हम कार इंडस्ट्री का प्राइस डिसाइड करते हैं तो केवल और केवल और केवल हम ये पता करते हैं कि कार की डिमांड का असर कार की प्राइस और क्वांटिटी पर क्या पड़ेगा। इसीलिए इसको इस लेट देयर बी अ फॉल इन डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कार द पार्शियल, चलिए यहां से चलिए कोई डिलीट वर्ड हो गया, बेसिकली इसके अंदर हमारा इंपैक्ट इफेक्ट होता है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं इंपैक्ट इफेक्ट क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया ये हमारा इंपैक्ट इफेक्ट है, यानी कि जब एक कार का प्राइस गिरता है तो कार की डिमांड बढ़ती है तो कार के प्राइस पर इसका क्या असर पड़ेगा,
ये हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। बात करें जनरल इक्विलिब्रियम की, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइजेस स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट्स एंड ऑल इंडिविजुअल मार्केट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल इंडिविजुअल मेकिंग यूनिट्स एंड ऑल द मार्केट साइमल्टेनियसली। यानी कि जब आप जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, दो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक साथ पढ़ेंगे, दो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एक साथ पढ़ेंगे, और हो सकता है कि दो कंज्यूमर और दो प्रोड्यूसर सबका इक्विलिब्रियम एक साथ करें। यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी इंडिविजुअल डिसीजन यूनिट मेकिंग यूनिट्स होती हैं और जितने भी मार्केट हैं उनका एक साथ इक्विलिब्रियम पता करने की कोशिश की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक साथ गुड्स मार्केट में हो गया या कमोडिटी मार्केट में हो गया या आप कह सकते हैं फैक्टर मार्केट में हो गया, एक साथ इक्विलिब्रियम पता करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जब हम बात कर रहे थे पार्शियल इक्विलिब्रियम में, तो गुड्स मार्केट का हमने अलग इक्विलिब्रियम किया था, ठीक है जी। इसके अलावा फैक्टर मार्केट का हमने अलग इक्विलिब्रियम किया था, लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में एक साथ हम गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट का इक्विलिब्रियम करते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किया था लियोन वायरलस ने 1874 में। इन दिस ऑल मार्केट आर साइमल्टेनियसली कंसिडर, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सभी मार्केट को एक साथ कंसिडर करके ही इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। इट इज कॉम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एनालिसिस। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसिस भी है। इसके अलावा इट कंसीडर इंडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्शन अमंग डिफरेंट मार्केट। तो इसके अंदर क्या कंसीडर किया जाता है, इंटरडिपेंडेंस भी कंसीडर किया जाता है, इंटरकनेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। इट कंसीडर द स्पिल ओवर इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, फीडबैक इफेक्ट, रेपरकशन इफेक्ट एंड हायर ऑर्डर इफेक्ट। तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कार की, कार इंडस्ट्री, ठीक है। कार इंडस्ट्री के बाद हम यहां पे बात कर रहे हैं जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अलावा हम यहां पे बात कर लेते हैं मान लीजिए एक तरीके से जो प्लास्टिक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं मान लीजिए लेबर मार्केट, हम सभी का एक साथ इफेक्ट पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम यहां पे सबसे पहले हम सिंपल मान लेते हैं कि जो कार इंडस्ट्री है उसमें इक्विलिब्रियम जो डिसाइड हुआ है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड हुआ है। मान लीजिए प्राइस हुआ है P0 और क्वांटिटी बढ़ी है Q0। स्टील इंडस्ट्री में मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, प्राइस डिसाइड हुआ है P0, क्वांटिटी डिसाइड हुई है Q0। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी सेम चीज है, डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस डिसाइड हुआ है P0, क्वांटिटी डिसाइड हुई है Q0। मान लीजिए लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में लेबर का जो प्राइस है वो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। प्राइस डिसाइड हुई है मान लीजिए, इसका डिसाइड हुआ है मान लीजिए W और ये है हमारी मान लीजिए N, ठीक है जी, ये हमने मान लिया है। अब सपोज कीजिए कार इंडस्ट्री में कार की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ रही है कार इंडस्ट्री में, तो कार की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो कार का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। यानी कि प्राइस P1 हो जाएगा और क्वांटिटी Q1 हो जाएगी, ये इसका इंपैक्ट इफेक्ट है। लेकिन इंपैक्ट इफेक्ट के अलावा ये इसमें स्पिल करेगा, स्पिल मतलब फैलना। कैसे फैलेगा, कि जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार को बनाने के लिए जो स्टील लगती है, स्टील मार्केट में भी बूम आएगा, कि स्टील की भी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, इसको बोलते हैं स्पिल इफेक्ट। इसी तरीके से ये जो स्पिल है ये चला जाएगा किसमें, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी चला जाएगा। किस तरीके से प्लास्टिक में चला जाएगा, प्लास्टिक की भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस प्लास्टिक का भी बढ़ेगा, क्वांटिटी प्लास्टिक की भी बढ़ेगी।
यानी कि हमने स्टील और प्लास्टिक में स्पिल ओवर इफेक्ट को देखा, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, किसकी डिमांड बढ़ेगी, कार की डिमांड बढ़ेगी, तो कार की डिमांड अकेले नहीं बढ़ेगी बल्कि स्टील की डिमांड भी बढ़ेगी और प्लास्टिक की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि हमारा रेपोकर्शन इफेक्ट पैदा होगा। और ये रेपोकर्शन इफेक्ट किस में पैदा होगा? लेबर मार्केट में। और लेबर मार्केट में जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और लेबर की डिमांड बढ़ने से वेज बढ़ेगा, यानी कि आप ज्यादा लोग काम करेंगे और ऊंचे हायर वेज रेट पर। ये भी आपको समझना है। अल्टीमेटली क्या होगा, हमने ये समझने की कोशिश की कि जब कार इंडस्ट्री बढ़ी तो स्टील इंडस्ट्री में ग्रोथ आया, प्लास्टिक इंडस्ट्री में ग्रोथ आया, लेबर मार्केट में ग्रोथ आया। अब वही लेबर जिसकी इनकम ज्यादा बढ़ी है वो कार भी खरीदेगा, और अल्टीमेटली जो कार की डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कार का जो प्राइस है वो और बढ़ेगा और कार की क्वांटिटी और बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से फीडबैक इफेक्ट या रेसिप्रोकल इफेक्ट। तो दोस्तों बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये फिर से चलेगा, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि जितनी कार की डिमांड बढ़ी है पार्शियल इक्विलिब्रियम में बढ़ती है, जब आप जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि मार्केट में एक मार्केट दूसरे पे अफेक्टेड है, दूसरा मार्केट तीसरे पे अफेक्टेड है, और तीसरा मार्केट चौथे पे अफेक्टेड है, और पहला मार्केट चौथे पे अफेक्टेड है, यानी कि एक तरीके की चेन होती है। तो जब हम जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो सभी के सभी मार्केट को एक साथ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, यानी कि किसी भी मार्केट के इक्विलिब्रियम को छोड़ते नहीं है बल्कि सभी के सभी मार्केट के इक्विलिब्रियम को एक साथ पढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिक बात आप समझ लीजिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब हम किसी भी इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम बाकी के सभी मार्केट को कांस्टेंट मान लेते हैं, और उसी मार्केट जिस मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है, यानी कि वन वेरिएबल का इफेक्ट वन मार्केट पे क्या पड़ा वो जानने की कोशिश करते हैं। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम में हम एक साथ सभी के सभी मार्केट का, सभी के सभी कंज्यूमर का, सभी के सभी प्रोड्यूसर का एक साथ इक्विलिब्रियम पता करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जनरल इक्विलिब्रियम पता करना एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम पता करना एक सिंपल मेथड है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में जो हमने आपसे डिस्कस किया है वो किया है पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। थैंक यू। शुरुआत करते हैं स्टॉक और फ्लो से। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, कुछ वेरिएबल स्टॉक होते हैं, कुछ वेरिएबल फ्लो होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिनको मेजर करते हो, कुछ को तो आप मेजर करते हो पॉइंट ऑफ टाइम पर, कुछ को मेजर करना पड़ता है पीरियड ऑफ टाइम पर, क्योंकि कुछ को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर ही नहीं सकते इसलिए उनको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरी एज है, अब मेरी एज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मेजर कर सकते हो सकता है कि कल जो है वो मेरी एज वो ना हो जो आज है। इसीलिए आपको अगर किसी भी व्यक्ति की एज को मेजर करना है तो आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करना पड़ेगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि 15 जुलाई 2022 को मैं 30 ईयर का हूं, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको हम पीरियड में मापते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 15 जुलाई 2022 को मेरी इनकम इतनी थी। हाँ, संपत्ति को पॉइंट में मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है वो वेरिएबल होते हैं जिनको आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो, यानी कि वो वेरिएबल जिनको आप किस में मेजर कर रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनको बोलते हैं हम स्टॉक वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई की स्टॉक है, क्योंकि मनी सप्लाई को जब मेजर करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे करेंगे कि इस तारीख को इतनी मनी सप्लाई थी मार्केट में। इसी तरीके से पॉपुलेशन है, 2050 में कितनी पॉपुलेशन होगी, 2050 इज द पॉइंट, जनवरी इज द पॉइंट, 15 अगस्त इज द पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। वेल्थ है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे कंसेप्ट स्टॉक हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरीके का टाइम डायमेंशन नहीं होता, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन नहीं होता। वहीं हम फ्लो की बात करें तो बच्चों फ्लो वो वेरिएबल होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर किया जाता है, चाहे वो एक दिन हो, चाहे एक घंटा हो, चाहे एक महीना हो, चाहे एक साल हो, लेकिन उनमें पॉइंट की जगह पीरियड होता है, यानी कि एक टाइम डायमेंशन होना जरूरी है। जैसे नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर में मापी जाती है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है ये तो आप ईयर वाइज ईयर पता करोगे कि 2022 में या एक वर्ष में भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ 4% रही है, तो ये जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो
एक तरीके का फ्लो वेरिएबल है। तो बच्चों कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, किसी भी चीज को आप देखिएगा कि उसको मेजर कैसे कर। जैसे मान लीजिए दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस है, अब दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस एक स्टॉक है क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन दिल्ली से आगरा कार चलने की जो स्पीड है वो एक तरीके का वेरिएबल फ्लो वेरिएबल है। तो ये आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक बार डिफरेंस भी बता देता हूँ, मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसा कि हमने आपको बताया, स्टॉक वेरिएबल को हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जाता है, जबकि जो फ्लो वेरिएबल होता है उसको एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। ये बच्चों आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, जबकि फ्लो का एक टाइम डायमेंशन होता है, चाहे वो एक हफ्ता हो, चाहे वो एक महीना हो, चाहे एक दिन हो, चाहे एक घंटा हो, कुछ ना कुछ तो उसका फ्लो होगा ही होगा। इसके अलावा बच्चों बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है, एक स्थिर कंसेप्ट है, जबकि ये वाला जो है दिस इज अ डायनामिक कंसेप्ट, क्योंकि ये बदलता रहता है, इनकम जो है वो बदलती रहती है। एक महीने में जो मेरी इनकम इस महीने हो सकता है अगले महीने ज़्यादा हो सकता है कम हो, स्टॉक जो है वो स्टैटिक है, जबकि आप कह सकते हो एक तरीके से जो फ्लो है वो एक तरीके का डायनामिक कंसेप्ट है। स्टॉक स्टैटिक है और फ्लो जो है वो डायनामिक है। एग्जांपल की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टॉक है, जबकि नंबर ऑफ बर्थ, अब नंबर ऑफ बर्थ एक साल में कितने हुए, ये तो एक तरीके का फ्लो हो गया। नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारा का सारा हमारा फ्लो वेरिएबल है। तो बच्चों इकोनॉमिक्स में स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का इंपॉर्टेंस ये है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक में और बहुत सारी चीज़ों को फ्लो में मेजर करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। चलिए मैं आपको आगे कंसेप्ट शुरू कराता हूँ। तो ये हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जिसमें दो मेथड पे हम चर्चा करेंगे, एक तो है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है इंडक्टिव मेथड। तो बेसिकली हम इन दोनों का मीनिंग आप बच्चों को बता रहे हैं कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार इकोनॉमिक्स एनालिसिस किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों डिडक्टिव मेथड का, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो चीज़ हमें पता होती है, ठीक है, जनरल जो चीज़ होती है उससे हम पार्टिकुलर पे पता करते हैं, यानी कि सामान्य से विशेष की तरफ जब चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डिडक्टिव मेथड। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा, दोनों की एग्जाम्पल दे दूंगा। इसके अलावा जो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जो चीज़ हमारी पास में कोई पार्टिकुलर होती है उसके थ्रू हम जनरल की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बता देता हूं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि जो फीस है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है, यानी कि मैंने देखा है कि बाजार में आमतौर पर यह पाया जाता है कि जो कीमतें ऊंची होती है तो लोग कम खरीदते हैं और कीमतें कम होती हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब कीमतें मैंगो की ऊंची होंगी तो लोग कम मैंगो खरीदेंगे। तो ये जो है वो डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि ये जनरल बात है, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, इसलिए मांग घटती है, तो इसलिए ये जनरल बात हो गई कि मैंगो की भी कीमतें जब बढ़ेंगी तो लोग मैंगो कम खरीदेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है, हम जनरल बात कह रहे हैं, यानी कि हम ये कह रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कंज्यूमर जो है वो एक जो है वो रैशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम भी जो भी डिसीजन लेगा वो रैशनलिटी के साथ लेगा, यानी कि वो भी अगर उसे भूख लगी है तो वो छोले भटूरे खाएगा न कि आइसक्रीम खाएगा अगर उसे भूख लगी है। तो यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमने कंसेप्ट लिया है ये विशेष बात नहीं है, बल्कि सामान्य बात क्या थी कि उपभोक्ता समझदार है, इसलिए हमने पार्टिकुलर के ऊपर ले गए, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डिडक्टिव मेथड। अगर हम बात करें वही इंडक्टिव मेथड की, तो इंडक्टिव मेथड के भी हम बच्चों आप कई सारे एग्जांपल आप बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बच्चों से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि देखिए मैंने ये देखा कि आलू की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए आलू की डिमांड घट रही है, मैंने देखा ओनियन की कीमत जब बढ़ जाती है तो ओनियन की डिमांड घट जाती है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे पता चला कि अधिकतर चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ने से डिमांड घट जाती है। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं, इनके भी इस पर हमने एक नियम बना लिया जिससे हमें पता चला कि कीमतें बढ़ने पर मांग घटती है, जो कि मांग का नियम कहलाता है। यानी कि हम अगर हम किसी पर्टिकुलर नियम से किसी जनरल बात से किसी पर्टिकुलर की तरफ चले जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, और किसी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चले जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए जैसे अभी चाइना के सामान का विरोध की बात शुरू हो गई है, तो उसके बाद मैंने देखा कि भारतीय सामान कीमतें ऊंची हैं और चाइनीज के सामान की कीमतें सस्ती हैं, खासतौर पर चलिए मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि मोबाइल फोन की कीमतें ज्यादा हैं उसको, और वो भारतीय मान लीजिए,
तो लोग उसे कम खरीद रहे हैं। मान लीजिए 25% लोग हैं जो भारतीय मोबाइल फोन खरीद रहे हैं कीमत ज्यादा होने के बावजूद भी, जबकि 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, कीमतें कम होने की वजह से चाइनीज मोबाइल फोन खरीदे, और 5% लोगों के विचारों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भारत का है या चाइना का है, बस वो तो जिस ब्रांड का है वो सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि यहां पर देखिए ये बातें जो हैं, ये हमने सर्वे किया, पर्टिकुलर चीजों पर्टिकुलर लोगों से पूछा और एक जनरल फॉर्मूला बताया कि देशभक्ति से ज्यादा जरूरी है कीमतों का घटना, तो ये जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, या मान लीजिए उल्टा बन जाता जहां पर हमें देखते कि 75% लोग ऐसे हैं या 80% लोग ऐसे हैं जो भारतीय सामान खरीद रहे हैं ऊंची कीमत होने के बावजूद भी, तो हम एक जनरल लॉ क्या बनता, जनरल लॉ ये बनता कि अगर देश में लोगों में देशभक्ति की भावना जगा दी जाए तो ऊंची कीमत होने पर भी लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो ये भी एक एक्सेप्शन केस बन जाता। तो यहां पर बच्चों हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी भी इकोनॉमिक मेथड को जनरल से विशेष की तरफ लेके जाते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ लेके जाते हैं तो उसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं, और विशेष से सामान्य की तरफ लेके आते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लेके जाते हैं तो उसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, देखिए डिडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नेम्ड एज एनालिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट एंड पीरियर मेथड, इसके और भी नाम है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमिक एनालिसिस वी प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी जैसे माल्थस हैं और रिकार्डो हैं, सीनियर हैं, मार्शल, पीगू, इन सब ने इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए डिडक्टिव मेथड का ही यूज किया। तो इसके अंदर बच्चों क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम की जानकारी लेनी पड़ती है, यानी कि प्रिसिडेशन करना पड़ता है, उसके बाद हमें टर्म डिफाइन करनी पड़ती है, उसके बाद हमें अपनी हाइपोथेटिकल और एजम्पशन को डिसाइड करना पड़ता है, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पता किया कीमत और डिमांड के बारे में, ठीक है, तो कीमत और मांग के बारे में आपको रिलेशन बनाना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कीमत और मांग में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको उसमें हाइपोथेसिस अजम्पशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए कीमतें बढ़ने से मांग घटती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी अजम्पशंस है ना, जैसे कि उपभोक्ता की आय सेम रहे और रुचि टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहे, तो ये सब हाइपोथेटिकल है जिनको आपको कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर के बारे में आप बात करोगे कि हाँ ये बात तो मैंगो पर भी सही साबित होती है। अगर हम बात करें बच्चों इंडक्टिव मेथड की, ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की, तो इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है, इसको हम इंपेरिकल मेथड भी बोलते हैं, या ठीक है, और इसको ज्यादातर जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट ने इसका ज्यादा यूज किया। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है किसी पर्टिकुलर वन का, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसके बाद जनरलाइजेशन किया जाता है, और उसके बाद उसको वेरिफिकेशन किया जाता है। तो दोनों में बच्चों ये फर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिकली मुझे आपको बताना था डेफिनेशंस, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डिडक्टिव मेथड और इंड्यूसिव मेथड में क्या डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। तो बच्चों मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सिस्टम का मतलब होता है कोई प्रोसेस। देखिए किसी भी देश के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इस समस्या को समाधान करने का एक बेहतर प्रोसेस होता है, हर देश का अपना एक अलग प्रोसेस होता है। तो बेसिकली तीन तरीके के इकोनॉमी माने जाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम माने जाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स इकोनॉमी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो डिफरेंट सोसाइटी ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज इन डिफरेंट वे, एंड इन द प्रोसेस ईच सोसाइटी क्रिएट अ सेटअप, और इसी सेटअप को हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू द वे इन विच द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी देश के आस पास जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, कौन से तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाएगा, क्या क्या समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उनको यूटिलाइज किया जाएगा, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि ये बताता है कि रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो एक तो होता है बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अलावा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है,
उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाएगा, इन सबको डिसाइड करने का काम सोसाइटी में जो 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 कमेटी होती है वो करती है। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में भी दोनों बातें होती है, जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों को डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट भी अपना इफेक्टिव रोल प्ले करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहें कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बहुत छोटी सी बच्चों वीडियो होने वाली है ये वाली, लेकिन बेसिकली आपको समझना है कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब उस प्रोसेस से है जिसके माध्यम से सेंट्रल प्रॉब्लमों को दूर किया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा डिफरेंस भी हम कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट, या आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो, या मार्केट इकोनॉमी, जब भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। इसके अलावा सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हो, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी बोल सकते हो, मिक्स इकोनॉमी भी बोल सकते हो उसको, उस तरफ को। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें प्रॉपर्टी ऑनरशिप की कोई लिमिट नहीं है। जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो, आप लाभ के लिए काम करोगे और जो चाहे आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें पब्लिक सेक्टर का ऑनरशिप होती है, जो कंपनियों पर पब्लिक का ही राइट होता है। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में, क्योंकि ना प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता है ना गवर्नमेंट सेक्टर मजबूत होता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही ऑनरशिप देखने को मिलती है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, देखिए मार्केट इकोनॉमी है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, तो यहाँ पे जो इंटरप्राइजेज हैं उनको उस तरीके की फ्रीडम नहीं मिलती है, जबकि मिक्स इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको फ्रीडम होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर में फ्रीडम उनको भी होती है, लेकिन फिर भी कई तरीके के कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट उनको करती है। इसके अलावा मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे तो आप लाभ कमाने के लिए काम करते हो, यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हो, और मिक्स इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो वेलफेयर के लिए काम करता है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। इसके अलावा हु कंट्रोल दी प्रोडक्शन, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म करेगा, जो भी काम करेगा प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे प्लानिंग मैकेनिज्म होता है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वही डिसाइड करती है कि क्या करना है। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों ही तरीके की चीज़ होती है, बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग मैकेनिज्म दोनों के दोनों काम करते हैं। कंपटीशन की बात करें तो बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस कंपटीशन का फायदा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही मिलता है, जबकि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में कंपटीशन जो है वो नहीं होता, और मिक्स इकोनॉमी में कंपटीशन होता है जो प्राइवेट सेक्टर तक ही लिमिटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें तो इसके अंदर भी बच्चों बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सोशली प्लान इकोनॉमी में गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इनइक्वलिटी पाई जाती है। और रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड होता है या नहीं के बराबर ही होता है, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती है, और मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो भी रोल प्ले करती है, प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करता है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, हालांकि प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की काम करती है, लेकिन आम तौर पर ये देखा जाता है कि मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट इफेक्टिव रोल प्ले करती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी, जो मार्केट मैकेनिज्म है यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरप्राइजेस चलाने का काम नहीं करती है। गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का काम तो मार्केट इकोनॉमी में भी करती है, लेकिन सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में तो उद्योग भी गवर्नमेंट चला रही होती है। तो बेसिकली ये सारी बातें आपको समझनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों जब हम इकोनॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो कुछ इकोनॉमिक मॉडल स्टैटिक मॉडल होते हैं, कुछ डायनामिक मॉडल होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे केवल आपको वर्ड मीनिंग समझा रहा हूँ, डिटेल हम किसी और वीडियो में भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टैटिक मॉडल का मतलब होता है कि आपने जो टाइम एलिमेंट है उसको इग्नोर कर दिया। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे डिमांड है, तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। हम सब लोग जानते हैं कि जो मांग है वो कीमत पे डिपेंड करती है, लेकिन एक प्राइस कौन सा है, कौन सा प्राइस है, कौन सा प्राइस? देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
जैसे मान लीजिए कि आप एक एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के लिए कर लीजिए, मान लीजिए टिकट है 10,000 रुपए की और ये तारीख मान लीजिए है 20 तारीख, 20 मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है 2023, ठीक है जी। अब इस केस में जो डिमांड है, मान लीजिए 100 लोग हैं जो टिकट बाय करना चाह रहे हैं, ये डिमांड है। अब नॉर्मली इसका जो प्राइस है टिकट का वो 5,000 रुपए होता है, लेकिन यहां पे 10,000 मिल रहा है। सडनली क्या हुआ, 21 तारीख को क्या हुआ कि जो प्राइस है वो 6,000 रुपए रह गया। तो टेक्निकली इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डिमांड है, अगर वो फंक्शन है प्राइस का, कौन से प्राइस का, अगर हम T-1 कर दें, यानी कि हम कहें कि जो आज की डिमांड है वो पिछले किसी समय के डिमांड का फंक्शन है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक, ये वाला, यानी कि जिस केस में आप टाइम को, एलिमेंट को छोड़ देते हो एनालिसिस करने में, यानी कि आपने टाइम को कोई ध्यान नहीं दिया, उसको बोलते हैं स्टैटिक, और जब आप टाइम एलिमेंट को ध्यान देते हो तो उसको बोलते हैं डायनेमिक। यानी कि डायनेमिक में आपको टाइम एलिमेंट पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि करंट प्राइस करंट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये डायनामिक, ये स्टैटिक हुआ। करंट डिमांड करंट प्राइस करंट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये स्टैटिक हुआ। लेकिन पिछला कोई प्राइस करंट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये डायनामिक हुआ। यानी कि डायनामिक मॉडल वुड बी वन वेयर द रिलेवेंट वेरिएबल आर डेटेड एंड टाइम लैग मस्ट एग्जिस्ट इन देयर रिलेशनशिप। यानी कि टाइम लैग जरूरी है और साथ ही साथ डेटेड होना जरूरी है, दो बातें होना जरूरी है डायनामिक मॉडल बनने के लिए। और अगर ये दो एलिमेंट नहीं है, डेटेड नहीं है, यानी कि टाइम एलिमेंट नहीं लिया गया है, टाइम लैग नहीं लिया गया है, तो वो कहलाता है स्टैटिक मॉडल। बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो कि डायनामिक और स्टैटिक में है। आने वाले वक्त में अगर आप बहुत एडवांस लेवल पर तैयारी करोगे तो बहुत सारे मॉडल आपको स्टैटिक मॉडल पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको डायनामिक मॉडल पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।